हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फॉर हाई टिप्स। सो आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि आप अपने पिंपल को कैसे सही कर सकते हैं और कुछ होम रेमेडीज़ मैं बताऊँगी जिससे आपको स्टेप बाय स्टेप अपने डेली लाइफ रूटीन में फॉलो करने होंगे। साथ ही साथ कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स भी फॉलो करने होंगे जिससे आपके पिंपल 7 डेज में सही हो जाएंगे। सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। इन फ्यूचर मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पिंपल होता क्यों है। सिंपल लैंग्वेज में समझा जाए तो यह कहा जा सकता है कि त्वचा में इन्फेक्शन के कारण ही तेल की ग्रंथियां भर जाती हैं, उससे चेहरे पर दाने निकल आते हैं। अब आपके मन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये इन्फेक्शन कैसे होता है। दरअसल स्किन से निकलने वाले जो ऑयल होती हैं एंड जो डेड स्किन होता है वो साथ में मिलके जो रोम छिद्र होते हैं उसे बंद कर देता है, जिससे वहाँ पे बैक्टीरिया पनपने लगते हैं जो मुहासे का कारण यानी कि पिंपल का रीज़न बन जाती है। सो इसी रीज़न से हमें पिंपल की प्रॉब्लम होने लगती है। सो पिंपल की प्रॉब्लम टीन एज से ही देखा जाता है। अगर आप टीन एज के हो तो आप कोई भी होम रेमेडी ट्राई ना करो, एक एज के बाद आपके जो पिंपल है वो सही हो जाएंगे। एंड अगर आप टीन एज से बाहर हो तो आप ये रेमेडी एंड टिप्स भी फॉलो करो। फर्स्ट टिप ये है कि आपको बार बार अपने पिंपल को टच नहीं करना है। सेकंड ये है कि आपको कोई भी मेकअप उस पर अप्लाई नहीं करना, उससे उस पर इरिटेशन होने लगेगी एंड उस इससे वो और भी रेड होने लगेगा एंड आपका पिंपल का प्रॉब्लम जो है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ने लगेगा। सो आपको कोई भी मेकअप अप्लाई नहीं करना है पिंपल के ऊपर। एंड थर्ड टिप ये है कि आपको प्रॉपर वाटर पीना है, हेल्दी फूड खाना है। सो ये थे कुछ टिप्स जिसको आपको फॉलो करना है अपनी डेली लाइफ रूटीन में। सो अब बढ़ते हैं रेमेडी की तरफ। उससे पहले अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो गाइस प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड बेल आइकन को भी प्रेस करें। इन फ्यूचर मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो रेमेडी बनाने के लिए सबसे पहले आपको एक क्लीन बोल लेना है एंड देन उसमें ऐड करना है 2 टेबलस्पून मुल्तानी मिट्टी। पिंपल के लिए मुल्तानी मिट्टी बहुत ही बेनिफिशियल होता है। ये स्किन से ऑयल और डर्ट को हटाने में हेल्प करता है एंड मुल्तानी मिट्टी डेड स्किन को भी हटाने में हेल्प करता है। तो मुल्तानी मिट्टी बहुत ही इफ़ेक्टिव है पिंपल को सही करने के लिए। देन आपको इसमें ऐड करना है टर्मरिक पाउडर। यहाँ पे मैंने एल्प्स गुडनेस का टर्मरिक पाउडर लिया हुआ है। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप इसे purple.com से ख़रीद सकते हो। सो टर्मरिक में एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ होती है जो कि पिंपल के बैक्टीरिया को किल करने में हेल्प करती है एंड पिंपल के स्वेलिंग को भी कम करने में हेल्प करती है एंड पिंपल के रेडनेस को भी कम करती है। थर्ड यहाँ पे आपको लेना है रोज़ वाटर। अगर आपके पास रोज़ वाटर नहीं है तो आप नॉर्मल वाटर का भी यूज़ कर सकते हो। तो थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में आपको इसे फेस पैक में डाल के मिक्स करना है ताकि जो फेस पैक है वो बहुत ज़्यादा रनी ना हो, एक मीडियम कंसिस्टेंसी होनी चाहिए इसकी। सो अच्छी तरीके से इसे मिक्स करके आपको अपने फेस पैक को बहुत ही स्मूथ बनाना है, कोई भी लम्ब्स ना हो इसमें। सो अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है। ये काफ़ी इफ़ेक्टिव फेस पैक है, आप इसे नॉर्मली भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको पिंपल की प्रॉब्लम नहीं है तो तब भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। सो इसे आपको अपने पूरे फेस पे अच्छी तरीके से अप्लाई करना है। यहाँ पे मैं आपको अपने हैंड पे अप्लाई करके दिखा रही हूँ एंड जहाँ भी आपको पिंपल हो वहाँ पे थोड़ा थिक लेयर आपको अप्लाई करना है। ये स्टेप आपको 7 डेज कंटिन्यू फॉलो कर रहे हैं एंड 10 मिनट या 15 मिनट के बाद जो आपका फेस पैक है वो बहुत ही अच्छी तरीके से ड्राई हो जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरे हैंड का ड्राई हो चुका है। तो इसे आपको नॉर्मल वाटर से वॉश कर देना है। स्किन बहुत ज़्यादा स्मूथ लग रही है एंड ग्लोइंग लग रही है। देन आपको क्या करना है, इस पर एलोवेरा जेल अप्लाई करना है। आपको बहुत ही थोड़ी क्वांटिटी में एलोवेरा जेल लेना है और अपने पूरे फेस पे और जहाँ जहाँ पिंपल है वहाँ पे बहुत ही जेंटली मसाज करना है। मसाज करके आपको छोड़ देना है और ये फेस पैक आपको नहाने से पहले अप्लाई करना है एंड आपको 7 डेज कंटिन्यू इस फेस पैक को अप्लाई करना है। तो जहाँ भी आपको पिंपल हो इस तरीके से आपको डॉट डॉट करके
एलोवेरा जेल लगा लेना है। एलोवेरा जेल में भी एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज होती हैं जो बैक्टीरिया को किल करेगी एंड जितने भी आपके डार्क स्पॉट होंगे पिंपल के उसको भी रिमूव करने में ये बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगा। सो ये था फर्स्ट स्टेप, इसको आपको मॉर्निंग में ट्राई करना है एंड जो सेकेंड स्टेप है इसे आपको रात को सोने से पहले अप्लाई करना है। तो सेकेंड स्टेप के लिए आपको लेना है एलोवेरा जेल, एक बोल में आप एलोवेरा जेल निकाल लीजिए जितने क्वांटिटी में आपको चाहिए। एलोवेरा जेल में एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ होती है, ये पिंपल के स्वेलिंग को कम करेगा एंड पिंपल में बैक्टीरिया को भी किल करेगा। सो आपको लेना है एक विटामिन ई का कैप्सूल। अगर आपके पास विटामिन ई का कैप्सूल नहीं है तो आप इसमें हल्का सा टर्मरिक पाउडर ऐड कर सकते हैं। सो इसको बहुत ही अच्छी तरीके से आपको मिक्स करना है इन दोनों इंग्रेडिएंट को। यहाँ पे मैं ब्रश की हेल्प से कर रही हूँ। अगर ये एक्स्ट्रा क्वांटिटी में बन जाता है तो आप इसे स्टोर करके भी रख सकते हैं, नेक्स्ट डे आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। तो हमारा ये रेमेडी जो है बन गया। आपको रात को अच्छी तरीके से अपने फेस को वॉश करना है, फिर आपको इस तरीके से अपने पिंपल पे डॉट डॉट करके इस रेमेडी को अप्लाई करना है। पर उससे पहले आपको क्या करना है, इसी रेमेडी को आपको पहले पूरे फेस पे अप्लाई कर लेना है एंड तब आप जो पिंपल का एरिया है उस पर डॉट डॉट करके इसे अप्लाई कर लें। थोड़ी ज़्यादा क्वांटिटी में आपको पिंपल वाले एरिया पर इस रेमेडी को लगाना है। तो ये रेमेडी बहुत ही इफ़ेक्टिव है पिंपल के लिए। ये दोनों स्टेप आपको और जो भी टिप्स मैंने बताया उसको फॉलो करने हैं तभी आपके पिंपल बहुत ही जल्दी सही होंगे। तो गाइस ये थी आज की वीडियो, आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना ना भूलें एंड चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस करना ना भूलें, इन फ्यूचर में कोई वीडियो अपलोड कर लूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके एंड आप कोई भी सजेशन देना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, मैं मिलती हूँ आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में।